कॉन्गो वायरस एक वायरस है, नैरो वायरस, जो कि एक टिक के अंदर मौजूद होता है। ये टिक जब एनिमल को काटता है, लाइफ स्टॉक जिसमें गायें, भैंस, दुम्बे, बालों वाले जानवर होते हैं, उनकी बॉडी पे ये स्टे करता है, मुर्गी पे ज़्यादा नहीं होता। जब ये जानवर पे होता है, बजाय जानवर नॉर्मली एक्ट करता है, जानवर को कोई सिम्टम्स नहीं होते, जानवर इंसान के करीब जाता है तो वो टिक इंसान को काट सकता है। जब वो इंसान को काटता है तो हम इसकी प्रिकॉशंस में ये कर सकते हैं कि जैसे ईद का मौसम आने वाला है, ईद में हम लाइट कपड़े पहने, पूरे स्लीव्स और ट्राउज़र्स के साथ जानवर के करीब जाएं, और हल्के कपड़े पहनने से टिक अगर इंसान के जिस्म पे आता है तो इंसान उसको देख सकता है और उसको काट दें। एक एहतियात ये रखनी है कि वो जो टिक है उसको हमने हाथ से दबाना नहीं है या मारना नहीं है उस टिक को। अगर वो नज़र आ जाए तो या तो उसको फ्लश कर दें या पानी में उसको डाल दें, ताकि वो, क्योंकि ये फिर बॉडीली फ्लूइड से इंसान में जा सकता है। जैसे बच्चे जानवर से खेलते हैं ईद के वक्त, तो आप उसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, कसाई को ग्लव्स पहनने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और जो खून से कम हाथ लगाना चाहिए, जब खून से वो इंसान पे को लग सकता है।